दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर शेन वॉन की 4 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शेन वॉन एक फिट खिलाड़ी थे और उनकी मौत के बाद उनके फैंस ये सोच के हैरान हैं कि इतना फिट खिलाड़ी आखिर कैसे इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। शेन वॉन की मौत के बाद दुनिया के लोगों को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। 52 साल के शेन वॉन की डेथ के कुछ ही दिन बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि वो पिछले 14 दिनों से एक एक्सट्रीम लिक्विड डाइट पे थे और शायद यही लिक्विड डाइट उनके हार्ट अटैक के पीछे का कारण भी हो सकती है। और इसी घटना के बाद से ही लिक्विड डाइट पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि लिक्विड डाइट का इस्तेमाल बहुत सारे लोग खुद को डिटॉक्स करने और वेट लॉस के लिए करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर एक डाइट हर इंसान को सूट करे। दोस्तों शेन वॉन अपनी सारी उम्र अपने वेट के हायर साइड पर ही रहे हैं, जिसके चलते वो अपने पूरे कैरियर में खुद के ज्यादा वजन के साथ जूझते रहे हैं। शेन वॉन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भी कुछ वजन कम करने की बात कही थी। दरअसल बीती 28 फरवरी को शेन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अपने वेट लॉस जर्नी शुरू करने का ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन श्रेड शुरू हो गया है और जुलाई तक उन्हें अपने फिट अवतार में फिर से वापस आना है। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी तस्वीर साझा कर अपने पहले जैसी फिटनेस को फिर से पा लेने का प्रॉमिस किया था और इस दौरान उन्होंने खुद को बस लिक्विड डाइट पर ही रखा था। लेकिन इसके ठीक 14 दिन बाद शेन वॉन की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाती है। एक इंटरव्यू के दौरान शेन वॉन के मैनेजर ने बताया था कि वो अजीब तरह की डाइट पर रहा करते थे जिसमें उन्होंने 14 दिनों तक सिर्फ लिक्विड का सेवन किया और वो इस डाइट को कम से कम 3 से 4 बार फॉलो कर चुके थे। या तो वो ब्रेड और बटर के बीच में लज़ानिया लगाकर खा रहे थे या फिर सिर्फ और सिर्फ जूस पी रहे थे। उनके मैनेजर ने ये भी कहा था कि उनके खाने की आदतों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव आया करते थे। सच तो ये भी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का अच्छा खासा टाइम स्मोक करते हुए बिताया था। शेन वॉन के बेटे ने भी बताया कि उनके पिता अक्सर 30 दिनों की टी डाइट पर रहा करते थे। फिलहाल तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक्सट्रीम डाइटिंग, सिर्फ स्मोकिंग या सिर्फ लाइफ का स्ट्रेस या फिर इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन ने उनकी जान ली। लेकिन ये भी सच है कि ये सभी आदतें या फिर इनमें से कोई एक आदत उनके हार्ट अटैक का कारण जरूर रही होगी। आखिर क्यों यंग और फिट लोगों में भी बड़े पैमाने पर हार्ट अटैक के कारण डेथ हो रही है, जानने के लिए मेरी डिटेल वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन आखिर क्या होती है लिक्विड डाइट और कैसे ये आपको फायदा और नुकसान पहुंचाती है, चलिए इसे जानते हैं। ये डाइट वजन कम करने वालों के बीच में काफी फेमस है और इसमें लिक्विड फूड के जरिए कैलोरीज बर्न करने की कोशिश की जाती है। लोग वजन घटाने के लिए लिक्विड डाइट का सहारा लेते हैं और इसमें आमतौर पे फल सब्जियों का जूस या शेक आदि लिया जाता है। लिक्विड डाइट का मतलब है पूरी तरह से सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड को छोड़ देना और पूरी तरह से लिक्विड फूड पर निर्भर हो जाना। ज्यादातर लोग इसे वजन घटाने का सरल उपाय मानते हैं और इस डाइट के दौरान लिए जाने वाले मील्स में सूप, जूस और स्मूदी आमतौर पर शामिल होते हैं। तो आइए जानते हैं लिक्विड डाइट के कुछ और खतरनाक जोखिमों के बारे में। हालांकि ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि वॉन की अचानक हुई डेथ के पीछे का कारण सिर्फ लिक्विड डाइट है। हालांकि सभी एक्सपर्ट इस तरह की डाइट के खिलाफ सालों से चेतावनी देते रहे हैं। हार्ट फाउंडेशन के एक्सपर्ट के अनुसार कुछ सिचुएशंस में कम कैलोरीज वाला खाना भी दिल की सेहत को अफेक्ट कर सकता है। लंबे समय के लिए ये बहुत डेंजरस है अगर कोई इंसान हफ्तों तक लिक्विड डाइट लेता रहे। ऐसा करने से उसकी बॉडी के मसल्स में कमी आती है और शरीर को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए लंग्स, किडनी और लीवर को कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनके अलावा सर दर्द, चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकान होना और कब्ज जैसे सिम्टम्स भी शामिल है। लिक्विड डाइट नहीं है किसी भी तरह से एक बैलेंस डाइट। दोस्तों ऐसे कई फल और सब्जियां हैं जिनमें 80 से 90% तक पानी होता है। फल और सब्जियों का रस बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स देते हैं लेकिन ये प्रोटीन और फैट का बहुत कम सोर्स होते हैं।
हमारे मसल और सेल्स की रिपेयर के लिए प्रोटीन और फैट का इम्पोर्टेंट रोल है, जिसकी पूर्ति होना लिक्विड डाइट से मुश्किल है। कैलोरीज में बहुत ज्यादा लो होती है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में अक्सर एक नॉर्मल मील के मुकाबले काफी कम कैलोरीज होती हैं। एक टिपिकल लिक्विड डाइट की डेली कैलोरी इनटेक 500 से 1500 के बीच में हो सकती है। ऐसे में एक लिक्विड डाइट आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको बेनिफिट तो जरूर करती है, लेकिन एक परमानेंट वेट लॉस के लिए ये सही तरीका नहीं है और आपका वेट फिर से बाउंस बैक भी कर सकता है जैसे ही आप इसे क्विट करेंगे। आखिर लिक्विड डाइट से क्यों हो सकता है हमारे दिल की सेहत को खतरा? दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि इस तरह की डाइट से ज्यादातर दिल से जुड़े मसले भी हो सकते हैं। इससे हमारे दिल की सेहत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि लिक्विड डाइट से आपको सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। साथ ही एकदम से वजन में कमी आने से हमारी आर्टरीज और ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, जिस कारण हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन में हार्ट अटैक के कारण डेथ भी हो सकती है। याद रखिए, एक बैलेंस्ड मील के साथ स्लो एंड स्टडी वेट लॉस ही एक हेल्दी, सस्टेनेबल और लाइफ लॉन्ग फिटनेस की गारंटी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।